हाई, दिस इज ज़वेरिया अजमल एंड यू वॉचिंग द ब्लू ट्रुथ। इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट करने की सूरत में ऐसे कौन से लोकल प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम एज एन अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं? इन केस इसराइली प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया जाता है तो हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से लोकल प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। शुरू करेंगे फास्ट फूड रेस्टोरेंट से। हम KFC, मैकडोनल्ड्स और हार्डीज का बायकॉट करके बर्गर लैब, OPTP, जॉनी एंड जुगनू और ब्रॉडवे को प्रेफर कर सकते हैं। अगर बात करें डेली लाइफ में यूज़ होने वाले कॉस्मेटिक्स की, तो हम लोरियल, रेवलॉन, गार्नियर और ओले के प्रोडक्ट्स की जगह J.Dot, मुसरत मिसबा और रिवाज के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो इनका एक बहुत बेहतर अल्टरनेटिव है। चॉकलेट्स के प्रोडक्ट्स में हम कैडबरी को बायकॉट करके यू और कैंडल एंड के प्रोडक्ट्स को प्रेफर कर सकते हैं। अगर डेयरी प्रोडक्ट्स के हवाले से बात करें तो हम नेस्ले को कम्प्लीटली बायकॉट करके अनहार, नूरपुर, हलीब और डे फ्रेश जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बिस्किट्स की बात करें तो हम लू के प्रोडक्ट्स को कम्प्लीटली बायकॉट करके विस्कोनी, इनोवेटिव और विसल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम शैम्पूस की बात करें तो डव, सनसिल्क, पैंटीन, ये वो शैम्पूज हैं जिनको आम तौर पर यूज़ किया जाता है, लेकिन इसराइली प्रोडक्ट्स होने की वजह से अगर हम इनको बैन करते हैं तो हमारे पास जो शैम्पूस के अल्टरनेटिव मौजूद हैं वो हैं सईद गनी के प्रोडक्ट्स, को नेचुरल के प्रोडक्ट्स, इसके अलावा बायो आमला के प्रोडक्ट्स। टूथपेस्ट में अगर हम कोलगेट और सेंसोडाइन का बायकॉट कर दें तो मेडिकम और डेंटोनिक इसका बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोल्ड ड्रिंक्स जो हमारे घरों में अक्सर यूज़ होती हैं, कोका कोला, पेप्सी, मिरिंडा, 7 अप, ये सारे इसराइली प्रोडक्ट्स होने की वजह से अगर इनको बायकॉट किया जाता है तो कोला नेक्स्ट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। इसके अलावा गौरमे के हमारे पास ऑप्शंस हैं जिनको एज अ कोल्ड ड्रिंक यूटिलाइज किया जा सकता है। ये कुछ ऐसे लोकल प्रोडक्ट्स हैं जिनको इसराइली प्रोडक्ट्स के बैन होने की सूरत में यूज़ किया जा सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये बात ज़रूरी नहीं है कि इसराइली प्रोडक्ट्स को अगर गवर्नमेंट ही बैन करे तो ही हम इसका बायकॉट करेंगे, बल्कि हम सबको चाहिए कि हम इंडिविजुअल भी इन प्रोडक्ट्स का बैन करें, इनको बायकॉट करें, ताकि हम लोग ह्यूमैनिटी के हवाले से अपनी आवाज़ उठा सकें।